नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। बहराइच जिले के कैसरगंज विधानसभा से सपा प्रत्याशी मसूद आलम खां का टिकट कटने के बाद चल रही राजनीतिक उठापटक पर आज विराम लग गया, जब मसूद आलम खां ने सपा कार्यालय गोंडा में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वह कैसरगंज विधानसभा से पिछले 6 महीनों से लगातार मेहनत कर रहे थे, उसके बाद मेरा टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद मंडल में समर्थकों शुभचिंतकों में भारी जनाक्रोश पैदा हो गया और तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं होने लगी, जिस पर मसूद आलम खान ने बताया कि उनका टिकट कटने के बाद ना ही पार्टी छोड़ी और ना ही कोई बगावत की, बल्कि कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा साजिश कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला फूका, उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिनका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। वे लोग ना ही मेरे समर्थक थे और ना ही मेरे जानने वाले। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्पित था और समर्पित हूँ। राहुल तिवारी की रिपोर्ट। सब लोग जान रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से मैं कैसरगंज विधानसभा, जो कि बहराइच जनपद के अंतर्गत आती है, वहां से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था। एक वर्ष पहले 29 दिसंबर 2021 को समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सानिध्य में शामिल हुआ था, लेकिन अब चूंकि वहां पर टिकट नहीं हो पाया कैसरगंज में, तो इसको लेकर के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी बड़ी तरह तरह की बातें आ रही थी। जाहिर सी बात है कि जो जिसके समर्थक और कार्यकर्ता थोड़ा सा दुखी भी हुए होंगे, तो इस संबंध में आकर के मीडिया के समक्ष अपनी बात रखना आवश्यक था कि हम लोग इस 2022 में हम लोगों का लक्ष्य यह है कि हम इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाए जिसमें छात्रों, नौजवानों, गरीबों, किसानों के हितों की बात हो, उनके कल्याण की बात हो। और वर्तमान तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके राज्य में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों के साथ अत्याचार अन्याय चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए हमने आज ये निश्चय किया है कि मैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता था, लेकिन फिर बीच में टिकट कट जाने की वजह से कुछ कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा हुई थी। उस निराशा को दूर करने के लिए आज हमने ये प्रेसवार्ता बुलाई है कि सब लोग लग करके, पूरे तन मन धन से लग करके, जनपद की 7 सीटें, मंडल की 20 सीटें समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें और हर सीट पर उसी लगन से जिस लगन से मेरे साथ लगे हुए थे। खासतौर से मैं कटरा विधानसभा के अपने समर्थकों और साथियों से कहना चाहता हूं कि आप ये मान के लड़िए कि वहां पर मसूद खान लड़ रहे हैं, हम उतनी ही मेहनत करेंगे कटरा विधानसभा में जितना अपने लिए करते थे, उतनी माननीय वैद्यनाथ दुबे जी के लिए करेंगे और जिले की सभी सीटों को हम कुछ जिताने का काम कर रहा है। थोड़ी सी बातें और कहना है कि जब हमारा टिकट वहां से कटा कैसरगंज से, तो कुछ वहां अफरा तफरी हुई। इसलिए अफरा तफरी हुई कि जब मेरा टिकट हुआ था तो दूसरे दलों के कुछ समर्थकों ने हमारे पुतले जला दिए थे, तो उसके बाद जब हमारा टिकट कट गया तो वहां पर भी हमारे लीडरों के कुछ नेताओं के लोगों ने पुतले जलाए। उन पुतले जलाने में ना हमारे किसी कार्यकर्ता का हाथ था, ना हमारे किसी समर्थक का हाथ था, वो विरोधियों की एक साजिश थी कि यहाँ से कटरा बाजार विधानसभा से चुनाव बसपा से लड़ते थे, इन्होंने हमारे लिए त्याग किया और इन्होंने सीट छोड़ी, छोड़ करके जो है बहराइच में कैसरगंज में इन्होंने तैयारी किया। वहाँ का कुछ नेता, जो जिले के नेता थे, उन लोगों ने विरोध किया, टिकट कट गया, लेकिन जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर हाल में हम उनको समायोजित करेंगे, सरकार बनने दीजिए और जो ज्यादा से ज्यादा बड़ा सम्मान होने वाला होगा वो हम करेंगे। क्या लगता है कि किस तरीके का जो है अपना जिला छोड़कर दूसरे जिले में गए और उसके बाद जो है उनका टिकट कटा, जो लोगों में नाराजगी है उसको किस हद तक, मतलब आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर हो जाएगी? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल दूर हो जाएगी। हमें भरोसा है इसलिए कि एक भी शब्द पार्टी के खिलाफ नहीं बोले हैं,
एक भी शब्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ नहीं बोले हैं, तो इसलिए आत्मा से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसलिए जो कार्यकर्ता है, थोड़ा बहुत जो कार्यकर्ता होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व टॉप पर रहा है, जिससे हम जिनके छांव में रहा है, जिसके संरक्षण में रहा है, वो भी चाहता है। तो सारे कार्यकर्ता चाहते थे और वो सभी कार्यकर्ता आप जो है दोनों लोगों को चाहेंगे। और